फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम टैग क्या होता है, इसका यूज केस क्या है, बेनिफिट क्या है, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो, एक दो मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। सो आई फ्रेम टैग जो होते हैं, ये HTML टैग जो कि एक HTML पेज पर आप लगाते हो, एक HTML वेबसाइट पे आप लगाते हो, जिसके ज़रिए एक फ्रेम के अंदर आप किसी सोर्स से कंटेंट पुल करके दिखा सको, ठीक है। सो HTML टैग इज़ जस्ट एन HTML डॉक्यूमेंट ऑन एन HTML डॉक्यूमेंट, यू यूज इट टू पुल कंटेंट और मे बी सम डेटा और सम इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू शो ऑन योर HTML पेज, एंड दैट इज़ पुल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। इसका जो यूज़ केस है, इसका जो बेनिफिट है, वो सिंपल ये है कि इट इज़ वेरी ईजी वे टू पुल कॉन्टेंट फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स एंड येट मेक इट वेरी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम योर ओरिजिनल कॉन्टेंट। राइट, आपका HTML पेज है और जो दूसरा जो फ्रेम के अंदर जो कॉन्टेंट दिखता है, साफ पता लगता है कि हाँ वो किसी दूसरी पार्टी से, थर्ड पार्टी से वो कॉन्टेंट आ रहा है, वो कॉन्टेंट पुल हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी ईजी टू मेक द डिफरेंस, और वो जान के दिखाना होता है, इसीलिए डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये फेसबुक पोस्ट जो आप करते हो, यूट्यूब वीडियोस जो आप बना के डालते हो या यूट्यूब वीडियोस जो आप देखते हो, उसमें एक नीचे शेयर का बटन होता है, आप शेयर करते होगे, शेयर एक एम्बेड करके ऑप्शन होता है, जब आप शेयर पे क्लिक करते हो डिफरेंट ऑप्शंस के, आपको कहाँ शेयर करना है, फेसबुक पे कॉपी लिंक करना है या व्हाट्सएप करना है, एक एम्बेड शेयर का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एम्बेड जब आप इस पे जब क्लिक करते हो तो ये आपको वो आई फ्रेम टैग दिखाता है जिसमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या है, लेंथ वेथ क्या है, ठीक है। और फिर आप इसको कॉपी पेस्ट करते हो, कॉपी करते हो और जिस HTML पेज पे भी आपको ये वीडियो एम्बेड करनी है, वहाँ पे शेयर करनी है, आप उस पेज के HTML कोड में ये आई फ्रेम टैग कॉपी पेस्ट कर देते हो, जिससे ये वीडियो उस पेज के जो कस्टमर विजिबल वर्जन होता है उस पेज में एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है। जब एम्बेड हो गई तो ये आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जैसे कि ये मैंने कर दिया, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये कॉपी करा, ये कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया और ये वीडियो अब इस तरीके से दिखाई देगी HTML पेज में। ये एक टेस्ट HTML सिमुलेटर जो मैं एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसका यूज़ केस यही है, आपने कई वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जहाँ पे यूट्यूब के वीडियोज़ या फेसबुक के पोस्ट या कोई किसी दूसरी वेबसाइट का कॉन्टेंट दिखाना होता है, कई बार सिर्फ इमेजेस दिखानी होती हैं, तो इसलिए आई फ्रेम का यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस तरीके के टैकी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।